जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एंड्रॉइड पीकेजी पे स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस का मतलब कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक है मेरा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ये मेरे चैप्टर फर्स्ट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का क्लास 11th के अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसका हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ये वीडियो मेरा पार्ट फाइव है। पार्ट फाइव में आज हम लेक्चर आपको दे रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेरा एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज जो होता है आपका, वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कि अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्पफुल है मेरे लिए। किस चीज के बिजनेस में अकाउंटिंग हेल्प करता है, मैनेजमेंट में किस टाइप के मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सबसे पहले हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग में हेल्प करता है। मान लीजिए आप अकाउंटिंग किए पिछले ईयर का, इस ईयर में जब आप आते हैं तो आपको उससे हेल्प मिलता है। क्या हेल्प मिलता है कि आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे कि आपका बिजनेस और अच्छे से ग्रो करेगा। मान लीजिए आपका पिछले साल बहुत लॉस हो गया, आप क्या कोशिश करेंगे कि मेरा प्रॉफिट हो, तो उसके हिसाब से जो आप किए रहते हैं पिछले साल उससे कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, प्लान अच्छा करेंगे। तो आपका प्लानिंग हेल्पफुल इन प्लानिंग, मतलब प्लानिंग हेल्प करता है आपके बिजनेस में मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग आपका हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड है आपका हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में हमको हेल्प करता है अकाउंटिंग कि हम क्या निर्णय ले, कैसे क्या करना है हमको। जो डिसीजन लेते हैं हम लोग अपने ग्रुप में, अपने पार्टीज में, कि हमको आगे क्या करना है, बातचीत जो होती है आपस में किस तरीके से क्या करना है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। एट लास्ट जब हम कंट्रोलिंग करते हैं डायरेक्टिंग से पहले, तो हमको ये हेल्प करता है कि हमको आगे क्या करना है। मतलब कि सब कुछ आपका यही बताता है घुमा फिरा के कि मैनेजमेंट में आपका हेल्प करता है, ये आपका फर्स्ट एडवांटेज है। इसके बाद है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको अकाउंटिंग से मिल जाता है, आपको एक पूरा रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि तो आपका डेली बेसिस पे बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग किया जाता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस, वहां से वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये वीडियो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा अगर उसको देख लेंगे आप। तो आपको क्या बता रहा है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग के बाद जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हमको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है, कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। थर्ड पॉइंट है जो आपका, वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, मतलब मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसके बारे में हमको अकाउंटिंग अच्छी तरीके से बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ये भी आपका एक एडवांटेज था। इसके बाद है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जान ले रहे हैं, वैसे ही आप फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जान लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, या फिर किसी और बिजनेस से आपका बिजनेस कितना आगे है, कितना पीछे है, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड हर एक चीजों को आप जान सकते हैं। इसके बाद है जो आपका, वो इनेबल कंपरेटिव स्टडी। मतलब इनेबल कंपरेटिव स्टडी का मतलब ये होता है कि इनेबल रहता है कंपरेटिव स्टडी, मतलब हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं, फुली जान सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, कैसा मेरा बिजनेस चल रहा है। कंपरेटिव स्टडी मतलब कि कोई भी जानकारी हमको लेना ही, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको अपने बिजनेस का लेना हो तो हम उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, जान सकते हैं अच्छी तरीके से, हर एक टाइप का इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे ईयर से कि हमारा बिजनेस किस जगह पे है, कौन से स्थान पे है मेरा बिजनेस, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्पफुल इन असाइनमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हेल्पफुल इन असाइनमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मतलब कि आप बिजनेस में जो भी टैक्सेस पे करते हैं, जैसे कि जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, जो भी आप पे करते हैं, वो आपका हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। अकाउंटिंग के हिसाब से आप अंदाजा लगा लेते हैं, आप उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना जीएसटी पे करना है, कोई भी इसमें धोखाधड़ी नहीं हो पाती है। इसके बाद जो है आपका
हेल्पोनियम राइजिंग लोन, मतलब कि लोन प्रोवाइड करने में आपको लोन की जरूरत है, लोन आप लेना चाहते हैं, लोन राइज करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस में लोन की जरूरत है, पैसे की कमी पड़ रही है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से आप अकाउंटिंग अपना शो कर सकते हैं उस बैंक को, उस बिजनेस को, या फिर किसी जिससे आप लोन ले रहे हैं, आप उसको दिखा के लोन ले सकते हैं कि आप आपका फाइनेंशियल पोजिशन क्या रहा है और आप लोग लोन पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। इस हिसाब से आप अकाउंटिंग करने के बाद, अकाउंटिंग जो किए रहते हैं उसको दिखा के या फिर उसके अंदाजे से आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आपका और हो सकता है जो कि यहाँ हम लिख गए हैं, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब कि आपका पार्टनरशिप अकाउंट में हेल्प करता है कौन, अकाउंटिंग, मतलब कि आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपका हेल्प करेगा कि अकाउंटिंग हम कैसे करें या फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करें। ये भी आपका एक एडवांटेजेस है कि अकाउंटिंग के हिसाब से आप अपने बिजनेस का वो देख सकते हैं कि आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, आप किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अपना अपने पार्टनर्स को शेयर करेंगे। हेल्प करता है अकाउंट्स, अकाउंटिंग हेल्प करता है पार्टनरशिप अकाउंट्स को बांटने में, और जो भी रिजर्व होते हैं उसको आप कैलकुलेट करने में, पार्टनर्स रिजर्व अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो आई होप कि एडवांटेज आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज देखते हैं क्या होता है, ये देखते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इन्फ्यूज्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब कि पर्सनल जजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको जो व्यक्तिगत निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन अपने खुद में लेना है, वो आप खुद निर्णय लेते हैं, जो भी आपको करना रहता है अपने बिजनेस में वो आप अपना डिसीजन आप खुद लेते हैं, मतलब बिजनेस खुद डिसीजन लेता है अपना कि उसको आगे क्या करना है, वो खुद डिसीजन अपना उसको लेना पड़ता है। इसके बाद है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, मतलब कि अकाउंटिंग जो होता है आपका वो खुद पे नहीं बेस्ड होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है और कन्वेंशन पे बेस्ड होता है, मतलब कि उसको क्या करना है उसके कॉन्सेप्ट से। जब आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस, तो वहां से आपको पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो कुछ जरूर समझ में आएगा कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो खुद पे बेस्ड ना होके दूसरे पे निर्णय रहता है, दूसरे पे निर्भर रहता है, मतलब अकाउंटेंसी पे निर्भर रहता है, अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज देती है कि उसको कैसे क्या करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि मतलब आपको अकाउंटिंग क्या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है। अभी हम एडवांटेजेस में आपको बताएं कि आपको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर डिसएडवांटेज में बता रहे हैं कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है, एडवांटेज जो आपका था वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का था, तो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके डेली बेसिस का मिलता है, लेकिन आप अगर आप पूरा देखना चाहें कि आपका टोटल कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो तब तक आप नहीं चेक कर सकते हैं जब तक आपका बिजनेस बंद ना हो जाए, जब तक बिजनेस आपका क्लोज डाउन ना हो जाए, तब तक आप कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकता। मिलेगा कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस तरीके का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो एकदम एक्चुअल होना चाहिए। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तभी मिलता है जब बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है, इसलिए आप अगर बिजनेस क्लोज डाउन नहीं हुआ है तो आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है अकाउंटिंग से। इसके बाद है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रॉपरली नोट नहीं हो पाता है, या फिर अगर नोट रहता है तो उससे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आपको तब तक नहीं मिल पाता है जब तक आपका बिजनेस क्लोज डाउन ना हो जाए। इसके बाद है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है आपका पिछला, मान लीजिए पिछले साल का या फिर आपका कुछ महीने पहले का या फिर एक दिन पहले का ही क्यों ना मानिए, आप एक दिन पहले के ही या फिर एक साल पहले के हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है उसके निर्भर पे आप वर्क करते हैं कि आपको पिछले साल कैसा वर्क हुआ था, इस साल कैसे वर्क करना है, कितना आपको एक्सपेंस करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होता है। अफेक्टेड बाई ये अकाउंटिंग खुद ही नहीं कर सकता है सब कुछ, जो उसको निर्णय लेना है, जो भी आपको उसको डिसीजन लेना है बिजनेस को, वो अकाउंटिंग के बेसिस पे ही नहीं ले सकता है, इसको हर एक चीजों को देखना रहता है, इसका ये लिमिटेशन है।
अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी भी चीज से अफेक्ट हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि कोई अगर बाहरी इंसान आ गया, कोई बाहरी अपना हक जमाने लगा, तो ये आपके लिए अफेक्ट करता है, आपके बिजनेस में कुछ भी गलत हो सकता है। इसके बाद है अनस्टेबल फॉर फॉरकास्टिंग, मतलब कि जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है आपके बिजनेस में, कॉस्ट बेसिस वर्क हो रहा है, जो भी मनी से रिलेटेड वर्क हो रहा है आपके बिजनेस में, वो सब आप प्रॉपरली नोट तो करते हैं लेकिन प्रॉपरली आप उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लिए बस इतने, आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।